लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ खड़े मसाले का क़ीमा। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को खड़े मसाले का ये क़ीमा कैसा लगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी हर नई नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको आसिया शाहिद का बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तंगदस्ती से, मुखलिसी से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, और जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मेरे पास आधा किलो कीमा है और इसके अंदर ये जो खुर्री हड्डी होती है ये भी है। आधा किलो ही बीफ का कीमा है और मेरे पास है ये हरी प्याज, चार अदद लीमी बड़े साइज की हरी प्याज है, एक अदद शिमला मिर्च है, और ये मैंने अदरक काट लिए लंबाई में, और छः से सात हरी मिर्चें हैं साबुत, और ये 10 से 12 लहसुन के जवे हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, और इसके अंदर है हरी मिर्चें, 10 से 12 ही हरी मिर्चें हैं। मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और आधे चम्मच से कम हल्दी है, 3 अदद टमाटर हैं, और एक अदद ये जो हमारी नॉर्मल घर की प्याज होती है वो है, 1 चाय का चम्मच ऐसा गरम मसाला है, और 1 खाने का चम्मच लेवल करके नमक है, और 1 प्याली मैंने तेल ले लिया है। तो चलें शुरू करते हैं पकाना। ये एक अदद प्याज मैं इसके अंदर डाल के ब्राउन करूंगी। तो देखें टमाटरों को मैंने 2 को बारीक काट लिया है, और 1 टमाटर का मैंने गूदा इसी टमाटरों के अंदर डाल दिया है, और इसको इस तरह कर लिया। इसको मैं कट करूंगी लंबाई शेप में, जिस तरह मैंने अदरक वगैरह कट करी है इसको इस तरह कट करूंगी। और प्याज हमारी लाल हो रही है हम जब तक ये जो हड्डियां हैं ये हम प्याज के साथ ही डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से भून जाए और जल्दी गल जाए। ये देखिए, तो देखिए सारी जो ये गोश्त वाली खुर्री हड्डियां थी मैंने प्याज के साथ ही डाल दी है। प्लीज मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए और मेरी वीडियो को पूरी देखा करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को ऑल पे कर दें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको मिल जाया करेगी। इसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपने मेरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, कि लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। तो देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो गई है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी हरा मसाला, इसमें शामिल है, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया हरा मसाला, जिसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें और हल्दी शामिल है। 1 से 2 मिनट में इसको भूनूंगी, फिर इसके अंदर कीमा डाल के अच्छे से भुनाई करूंगी कीमे की। तो देखें 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, अब इसके अंदर मैं ये
मतलब इसको ऐसे दर्द रहा था हाथ से ही।